लॉस्ट हिज फादर हिज इंस्पिरेशन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ बने रहने का लिया निर्णय, क्योंकि वो जो हार्ड क्वारंटीन के चलते खेल नहीं पाते थे क्रिकेट, फिर उनको रेशियली अब्यूज किया गया। ये सिडनी में हुआ, थोड़ी खबरें गाबा से भी आई, लेकिन उस बात को अपने खेल पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने दिया। तीसरा ही तो टेस्ट मैच है खिलाड़ी का, लेकिन इनको बना दिया गया लीडर ऑफ द पैक, और जब दी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस पे खरे उतरे। नाम है इस खिलाड़ी का मोहम्मद सिराज, और क्रिकेट पे होगा आपका राज। Redmi 9 Bao presents Thunder Down Under के इस, ये तो बड़ा स्पेशल एपिसोड है, क्यों? क्योंकि ये टीम बड़ी स्पेशल है। ये टीम मतलब लड़ना जानती है, भिड़ना जानती है, और ये जो चौथा दिन था, ये चौथा दिन चौथा टेस्ट ये गया उस खिलाड़ी के नाम जिसने लिए हैं 5 विकेट। नाम है उनका मोहम्मद सिराज। ऑफकोर्स पूरे मैच की बात करेंगे, गुफ्तगु करेंगे कि कहाँ पे खड़ा है मुकाबला। अभी भी भारत बहुत पीछे है, बहुत लेट जाके डिक्लेयर किया, एंड दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि इतना लेट डिक्लेरेशन क्यों किया। हम सब तो उम्मीद कर रहे थे भाई ऑस्ट्रेलिया कहते हैं हम तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, अगर जीत हार और ड्रॉ में से कुछ चुनना हो तो फिर आप पहले जीत चुनोगे, उसके बाद हारने के लिए तैयार रहोगे, ड्रॉ में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पर ऐसा लगा नहीं, वॉकिंग द टॉक वो हुआ नहीं। क्या ये ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और इस भारतीय टीम का डर था, या फिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर नजर थी? वी शैल फाइंड आउट। पर ये दिन एक्चुअली दिस डे बिलोंग टू, मतलब बनाया स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक भी, थोड़े से बल्लेबाजी में कई के खिलाड़ियों ने अच्छे प्रदर्शन जरूर दिखाए, लेकिन ये दिन था मोहम्मद सिराज का, ये दिन था शार्दुल ठाकुर का। एक दिन का मुकाबला और बचा है और लड़ने का जज्बा अभी और है। Redmi 9 Power Performer of the Day, of course ये एक्चुअली ऑनर्स जो है ना वो शेयर होने चाहिए, जैसे सुंदर और शार्दुल में कल शेयर होने चाहिए थे, उसी प्रकार से आज सिराज और शार्दुल में शेयर होने चाहिए। वो सिंपल बात क्या है कि 5 विकेट लिए हैं मोहम्मद सिराज ने, 4 विकेट लिए हैं शार्दुल ठाकुर ने, आपके पास नवदीप सैनी इज ऑलमोस्ट ऑन 1 leg, और वॉशिंगटन सुंदर उतनी जबरदस्त पारी में गेंदबाजी कर नहीं पाए, टी नटराजन लुक स्लाइटली ऑफ एज वेल, तो ऐसे में शोल्डर करनी थी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये 2 खिलाड़ी आए, एक बार फिर आए, ये बार बार आए हैं, लड़ते रहे हैं, छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम सो सो स्पेशल। और सिराज की कहानी तो आप सबको पता है, किस प्रकार से जहां उन्होंने खेलना शुरू किया था, ये तो सब मतलब यादें आ जाती ना एकदम से बड़ी जल्दी की। जब खेलना शुरू किया तो पिताजी तो ऑटो चलाते थे, घर बहुत बहुत गरीब परिवार से आते थे, जहां पर क्रिकेट कैसे खेलोगे यार, महंगा खेल है, तो वहां पर एक टैलेंट सर्च हुआ, टैलेंट हंट हुआ, उसमें गए और पता था अगर आज पिक नहीं हुआ ना तो कभी ये गेंद उठा नहीं पाऊंगा दोबारा, तो वहां पे पिक हुए, फिर बहुत मेहनत की, मेहनत करी तो रणजी ट्रॉफी खेले, वहां बहुत विकेट चटकाई, और उसके बाद एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री, यहां पे उन्होंने डेब्यू किया, तीसरे ही मैच में ये लीडर ऑफ द पैक बन गए और 5 विकेट इन्होंने चटकाए, जिसमें तेज गति से गेंदबाजी करते हुए बाउंसर पे लोगों को हड़काया है, बाहरी किनारे इन्होंने प्राप्त किए हैं, यॉर्कर इनका सटीक है, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि इस खिलाड़ी का जो जज्बा है ना वो सर चढ़ के बोल रहा है, वो बता रहा है कि ड्रीम कीजिए और मोटिवेट रहिए, और इंस्पायर आप कर सकते हैं आने वाली पूरी जनरेशन को, इफ यू आर इंस्पायर्ड योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। फैंटास्टिक मोहम्मद सिराज के खाते में 5 विकेट, शार्दुल ठाकुर, वो एक एक्चुअली बड़ा अच्छा लम्हा था, दैट वाज द फोटो टू कैप्चर, कि सिराज जा रहे हैं, सिराज की एक्चुअली जो आखिरी विकेट थी वो कैच भी पकड़ा शार्दुल ने, जब सिराज को सब ताली बजा के बाहर ले जा रहे थे ना तो पीछे खड़े थे शार्दुल ठाकुर और बहुत मुस्कुरा रहे थे, दैट टेल्स यू कि इस टीम का माहौल कैसा है। लव यू एवरीवन। सो यस, Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे हैज टू बी सिराज, 5 विकेट्स, बंदे शार्दुल इज राइट देयर विद हिम, और इस फोन की कहानी आपको पता ही है, जैसे 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो उसके बिल्कुल साथ 6000 mAh बैटरी है, उसके बिल्कुल साथ साथ जो है वो है 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, आई मीन दैट्स अ ब्रिलियंट फोन। चौथा दिन पहला सेशन और सिर्फ एक शब्द मेरे जहन में आता है, वो है स्प्रिंग, मतलब जितना उसको दबाओ उतनी जोर से वापस आता है, मतलब वही कर रही है भारतीय टीम, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो शुरुआत एकदम ऐसे ताबड़तोड़ अंदाज में हुई, तू डाल डाल मैं पात पात, आई मीन क्या कर रहे थे डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये लंच पे डिक्लेयर करने के चक्कर में, लंच के 1 घंटे बाद तो इतने रन हो जाएंगे बड़े आसानी से डिक्लेयर कर पाएंगे, और उसके बाद दे विल डोमिनेट द गेम, फटाफट से 100-150 रन की लीड, आई मीन दिस इज फैंटास्टिक यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, पर फिर आउट होते हैं मार्कस हैरिस। कौन आउट करता है? आउट करते हैं शार्दुल ठाकुर, और दूसरे एंड से आउट होते हैं डेविड वार्नर। कौन आउट करता है? आउट करते हैं वॉशिंगटन सुंदर। तो वो जो वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की जो जोड़ी थी, वो मैच के तीसरे दिन भी जब भारत वॉज डाउन एंड आउट, दीज टू गाइज गॉट
ड्रॉप टुगेदर और वहां से उन्होंने मैच बचाया था। मैच में चांद फूकी थी, वो बल्ले के साथ थी। अब यहां पर जब लगा था एवरीथिंग सीम्स डाउन एंड आउट, वहां पर ये गेंद के साथ चांद फूक देते हैं। अच्छा बाउंसर था मार्कस हैरिस को, जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो ग्लव करते हुए आउट हुए। अमूमन वैसे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ऐसे बाकी जो कहते हैं भारतीय बल्लेबाज, सब कॉन्टिनेंटल बल्लेबाजों को ऐसे करके आउट करते हैं। अच्छा लगा कि भारतीय तेज गेंदबाज ने ऐसा काम किया। और वॉशिंगटन सुंदर ने वही किया जो रविचंद्रन अश्विन कर रहे थे, डाउट क्रिएट किया, आगे की गेंद पीछे गए, पैड पे लगी, रिव्यू का बड़ा लेट डिसीजन था वो, लेकिन उन्होंने लेने का फैसला किया और रिव्यू गवा दिया, रेड 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 तीनों नजर आए, कहानी हुई वहां पर समाप्त। अब मैच इज हैंगिंग इन द बैलेंस वंस अगेन, क्योंकि एक तरफ स्टीव स्मिथ सामने है, मानस लाभूषण और वो दोनों अग्रेसिव खेल रहे हैं, मतलब मानस लाभूषण ठक ठक ठक, और ऐसा लग रहा है कि बड़ी इजी पिच है या फिर बल्लेबाजी आसान हो गई है या फिर इंटेंट जिसकी बात करते हैं ना कि मैच को आगे की तरफ लेकर जाना है, वो तो जरूर नजर आ रहा था। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, और फिर मोहम्मद सिराज का राज एक ही ओवर में मैच के रंग रूप को फिर बदल देते हैं, क्योंकि यहां से अगर साझेदारी बहुत बड़ी हो जाती तो फिर कहानी कुछ और होती, क्योंकि इंटेंट तो दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलिया कि हम भागना चाहते हैं, हम मैच जीतना चाहते हैं, हम यहां से डिक्लेयर करेंगे। पर पहले आउट होते हैं मानस लाभूषण, एक अच्छा कैच पकड़ते हैं रोहित शर्मा, अच्छा मतलब थोड़ा शार्प कैच था, वो कैच उन्होंने अच्छा पकड़ा। और उसके बाद उसी ओवर में मैथ्यू वेट को आउट डाउन द लेग साइड, इस बार ऋषभ पंत अच्छा कैच पकड़ते हैं और एक बार फिर जो टीम भागने का प्रयास कर रही है उसको पकड़ के पीछे खींच लिया जाता है। दिस इज द क्वालिटी और दिस इज द थीम ऑफ दिस टूर दस फार, और मोर ऑफन देन नॉट ये भारतीय टीम ने करने में की योग्यता दिखाई है, काबिलियत दिखाई है और करके दिखाया है। तो फिर चार विकेट अगर आप ले लेते हैं, चाहे मतलब 125-28 रन बन भी गए हैं, तो भी मैं कहूंगा ये भारत का सेशन है यार। पिछले दिन तीसरे दिन के आखिरी सेशन में हमने चार गवाई थी विकेट, फिर भी मैं कह रहा था भारत का सेशन है। यहाँ पे चार हमने विकेट ली है तो भारत का सेशन तो होना ही चाहिए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो भारतीय टीम का जो उसमें योगदान है या कहें जो कंपेटिटिवनेस है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, दैट्स अ हार्टनिंग साइड। बट देन अगर ये दूसरा सेशन आप अच्छे से पकड़ लेते हैं, कैमरन ग्रीन स्टीव स्मिथ दोनों को जल्दी आउट कर देते हैं, तो वो तो भारतीय पूंछ की बात कर रहे थे, यहां तो कंगारुओं की पूंछ भी कोई ज्यादा देर कई बार टिक नहीं पाती है। नवदीप सैनी थोड़े से इंजर्ड नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बॉलिंग कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 125-127 कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उनको आप ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। बाकी चार बॉलर्स आपके पास हैं, आप उनके साथ डटे रहिए, बट ऑल टू प्ले फॉर इन सेशन नंबर टू। और एक नजर रखनी पड़ेगी, कहीं बारिश तो नहीं आने वाली यार। 276 रन की लीड हो चुकी है, तो फिर हमने भी तो तीन ओवर आउट कर दिए हैं, यही तो कहानी है। दूसरे सेशन की हम बात करें, चौथे दिन की, जहां पर अब ऑस्ट्रेलिया दे हैव टू डू ऑल द रनिंग राइट, क्योंकि अगर उन्हें मैच जीतना है, मतलब अगर ट्रॉफी जीतनी है तो मैच जीतना पड़ेगा, मैच जीतने के लिए तो काम सारा आपको करना पड़ेगा, आपको जोर से भागना पड़ेगा, आपके लिए ये स्प्रिंट है। भारत अपना इसको मैराथन के रूप में देख सकता है। अब भागने का प्रयास तो किया, स्टीव स्मिथ आके अच्छा खेल रहे थे, इनफैक्ट शुरुआत अच्छी हुई थी, स्टीव स्मिथ कैमरन ग्रीन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करनी शुरू की और अग्रेसिव शुरुआत की, भारत थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ नजर आया। पर जब जब ऐसा हुआ है कि भारत बैकफुट पे गया है, तब तब कोई ना कोई हीरो तो निकल कर आया, और इस बार वो हीरो कौन था, इस बार वो हीरो था शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने आके गेंदबाजी की कमाल की, कैमरन ग्रीन को आउट किया, आउट उन्होंने किया टिम पेन को भी, वो टिम पेन को बाउंसर के साथ, कैमरन ग्रीन को अच्छी गेंद के साथ, और मतलब बाउंसर भी अच्छी गेंद होती है बाय द वे। पर स्टीव स्मिथ का जो डिसमिसल था, ये बड़ा डिसमिसल था, ये डिसमिसल मिला, ये विकेट मिली मोहम्मद सिराज को, और सिराज का बड़ा क्वालिटी परफॉर्मेंस रहा है एक्चुअली। अगर आप इस पूरे टेस्ट मैच की बात करें, विकेट उतनी चाहे ना मिली हो, पर काम ये लगातार करते रहे हैं, अच्छे से करते रहे हैं, पकड़ के गेंदबाजी की है, कैचेस इनसे छूटे, एक कैमरन ग्रीन का कैच छूटा, एक कैच छूटा इनसे स्टीव स्मिथ का, और उस समय लगा रहे यार कैच मत छोड़ो, पर फिर अपना वो उन्होंने कहते ना कि अपनी गलती को सुधार लिया, कि जस्ट वॉच्ड अवे हिज सेंस, उन्होंने आउट किया जो गेंद थी ना स्टीव स्मिथ वाली, वो चौके ऐसे लगी ग्लव्स के ऊपर और आउट किया, आसान सा कैच था कप्तान के पास। पर अब एक बात और समझ में आ रही है कि थोड़ा सा पिच जो है वो डिटीरियरेट हो रही है, थोड़ा सा उसमें क्रैक्स खुल रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा असमतल उछाल नजर आ रहा है। बट देन बारिश भी तो आ गई है गुरु जी, मेघा मेघा बरसो, तो वो बरसे बड़ी जोर से, और टी के समय मतलब अर्ली टी लेनी पड़ी क्योंकि बारिश आनी शुरू हो चुकी थी, थंडर स्टॉर्म्स का पूरा पूरा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो हो सकता है तीसरे सत्र का खेल, जैसे दूसरे दिन तीसरे सत्र का खेल नहीं हुआ, तो हो सकता है चौथे दिन दूसरे सत्र का या तीसरे सत्र का खेल ना हो, क्योंकि अगर तो हो जाता है शुरू, आई विल टेल यू वन थिंग, क्योंकि भारत के पास रोहित शर्मा है, क्योंकि भारत के पास ऋषभ पंत है। अब जब ये दो खिलाड़ी रहते हैं ना, तो चाहे गाबा का इतिहास कुछ भी बताता हो, गाबा का इतिहास ये बताता है कि ये 250 रन चेज नहीं होते, यहाँ पर 237 से ज्यादा आज तक कभी चेज नहीं हुए, तो फिर रन तो काफी हो गए, डिक्लेयर कर दो,
लेकिन डिक्लेयर करेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया, क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा आए, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों चले तो ये 275 तो ऐसे ऐसे करके चेज कर देंगे। तो अगर ये बारिश रुक जाती है और अगर तीसरे सत्र में खेल ज्यादा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी एक बात ये भी इनके जहन में रहेगी कि अगर ड्रॉ यहां कर लेते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वहां पर क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। जीत जाएंगे तो फिर तो पक्का लगता है क्वालिफाई कर जाएंगे, पर अगर यहां पर कहीं हार गए, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उठाने के चक्कर में अगर ये मैच हार गए ना, तो वहां जो बिग प्राइज है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वो कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो फिर व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया डू? लुक एट द स्मॉलर पिक्चर यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और लुक एट द बिगर पिक्चर यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अब ये सोचने के लिए इनके पास बहुत समय है क्योंकि तीसरे सत्र के खेल में डिले होगा, ये तो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है। आखिरी सेशन की अब करते हैं बात, जहां पर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा मुझे तो हैरान किया भैया, आपका पता नहीं आपको क्या किया, क्योंकि लग रहा था कि भाई रन तो काफी बन चुके हैं, 275 रन आप आगे थे टी पे, अब इसके बाद कर दो डिक्लेयर, क्योंकि ब्रिस्बेन गाबा का इतिहास बताता है गुरुजी। यही तो हमने दूसरे सेशन के अंत में बात की थी ना कि कर दो डिक्लेयर करो, लेकिन किया नहीं उन्होंने, जो हमने सोचा था वही हुआ, क्योंकि कथनी करनी में ना बहुत अंतर होता है। वो शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वो ख्वाब भी एकदम जिंदा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज का पता नहीं है, यहाँ ड्रॉ में शायद आपको ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी वो जो ऊपर जो नंबर वन पे जगह है वो बनी रहेगी, अगर आप हार गए तो फिर आप तीसरे नंबर पे खिसक जाएंगे और फिर गॉड नोज व्हाट हैपेंस, तो शायद वो सोच थी, या फिर भारतीय टीम से थोड़े से डर गए हैं, थोड़ा सा डरने का मतलब सेंस ये नहीं कि बिल्कुल डर गए हैं, मतलब खेलना नहीं चाहते, पर डर ये होता है, डर इज एक्चुअली रिस्पेक्ट, कि इस टीम को ना यू कांट रूल इट आउट, ये टीम जो है वापस आ जाएगी, जहां पे आप सोचोगे कि खत्म हो गया अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां से पलट के आ जाएंगे और या तो मैच को बचा जाएंगे या मैच को जीत जाएंगे, तो जब उस सोच के साथ आप चलते हैं तो फिर थंडरस्टॉर्म्स आने वाले हैं, तो आप उस पे विश्वास नहीं करते जिसका वो वेदर की जो ऐप बता रही है, आप उस पे विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करते हैं भारतीय टीम के रेजिलियंस पर, रिजॉल्व पर, स्टील पर, और इसके चलते डिक्लेरेशन बहुत लेट किया है। अब अभी तक तो चलिए फिर भी पलड़ा भारी ऑस्ट्रेलिया का है, यहां से एक ही टीम शायद मैच जीत सकती है वो है ऑस्ट्रेलिया, पर दिस टीम इज नॉट गोना गो डाउन विदाउट अ फाइट, इतने ओवर्स ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को नहीं दिए हैं, कीपिंग वेदर इन माइंड कि अगर कहीं दोबारा बारिश हुई तो फिर वो मैच में ये मैच को जीत नहीं पाएंगे और ट्रॉफी जो है वो भारत लेके उड़ जाएगा। आई मीन दिस विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, अ वंडरफुल फेरी टेल, बट देन दैट्स अबाउट इट। आखिरी दिन का खेल और रोमांचक रहेगा, अभी तो रोहित शर्मा भी है, शुभमन गिल भी हैं, इस पिच में थोड़ी सी मदद ज्यादा हो गई, थोड़ा सा ऊपर नीचे गेंद रह रही है, थोड़ा सा क्रैक्स खुल गए हैं, नेथन लैंड विल हैव अ बिगर रोल टू प्ले, बट देन रूल दिस इंडियन टीम आउट एट योर ओन पेरिल, ये वो वॉरियर्स हैं, वो ग्लैडिएटर्स हैं, अगर ले गए आप उनको भाले जाना चाहते हो ना तो स्ट्रेचर पे जाएंगे, ये ऐसे जाने वाले हैं नहीं, ये हारेंगे नहीं, ये पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, दिस इज द टीम दैट मेक्स यू प्राउड, इट सेज जय हिंद गाइज, वी लव यू ऑल, एंड दैट्स इट। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, और इस फोन को यू नो द ड्रिल ऑलरेडी, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 6000 एमएएच बैटरी, फैंटास्टिक फोन, दिस इज Redmi 9 Power, एंड यू वॉचिंग Redmi 9 Power presents Thunder Down Under।